सो हम चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चेंजेस के बारे में, जैसे कि हमारा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हम पढ़ चुके थे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके थे। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट अगर देंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या असर होगा उसका। देखो, सबसे पहला होगा चेंज इन साइज। ओके, क्योंकि साइज क्या होता है वो बदल जाएगा, और जनरली हम देखेंगे चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो एक्सपैंड करता है हीट देने पे। वो क्या करेगा, मेनली एक्सपैंड करेगा अगर हीट देते हैं तो। अगर हीट मिलता है तो एक्सपैंड करता है। इसकी सोचो, अगर तुम एक पॉलीथीन लिए, पॉलीथीन को हीट कर दिए, क्या होगा, गर्म कर दिए, वो सिकुड़ जाएगा। इतना बड़ा पॉलीथीन होता है, वो सिकुड़ के इतना छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुम कोई मेटल लोगे, मेटल को हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगा ना। लिक्विड को तुम लोगे, पानी को लोगे, हीट कर दोगे तो वेपर बन जाएगा। इसका मतलब वो भी एक्सपैंड हुआ। जनरली एक्सपैंड होता है, कभी कभी छोटा पड़ता है। एक्सपैंड कैसे हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस सब एक्सपैंड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पॉलीथिन, उसको हीट करो तो वो छोटा पड़ जाएगा। समझ में आया, क्लियर? दूसरा, चेंज इन हार्डनेस। तुम हीट दोगे तो हार्डनेस चेंज होगा, चेंज इन हार्डनेस। जैसे कि अंडा कैसा होता है, लिक्विड होता है, समझ में आया? उसको तुम गर्म पानी में डाल देना, आधे घंटे बाद क्या बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। हार्डनेस चेंज हुआ कि नहीं? पहले लिक्विड था, बहुत हार्ड बिल्कुल नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा हार्ड है कि नहीं? लेकिन अगर तुम चावल को गर्म पानी में डालोगे, उसको हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी उसका हार्डनेस चेंज हो गया। पहले हार्ड था, अभी सॉफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। देखो, तीन तो स्टेट ऑफ मैटर है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा है गैस। हीट करोगे सॉलिड को, वो बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को हीट करोगे, वो बन जाएगा गैस। समझ में आया? आइस को हीट किए वाटर बना, वाटर को हीट किए वाटर वेपर बना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे चेंज हो रहा है? और चौथा है कम्बशन, यानी जल जाना। किसी चीज़ को तुम ज़्यादा हीट कर दोगे तो वो जल जाएगा। कम्बशन मतलब जलना, बर्निंग। समझ में आया? ये चार चेंजेस हैं जो हीट करने से होता है। साइज चेंज कर सकता है, हार्डनेस चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, और कम्बशन हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है ये पूरा? लास्ट टॉपिक जाएंगे। यू हैव सीन बुलक कार्ट, तुमने बुलक कार्ट तो देखा ही होगा। उसके पहिए कैसे होते हैं, उड़न होते हैं। और तुमने ये भी देखा होगा कि उड़न पहियों के ऊपर एक आयरन का ना लेयर लगा देते हैं, आयरन का रिम बोलते हैं। वो जो गोल सा होता है आयरन का, उसको बोलते हैं आयरन रिम। क्या बोलते हैं? आयरन रिम। समझ में आया? अब आयरन रिम कैसे लगाएं वहाँ पे? देखो, उससे पहले याद रखो, हम जब भी हीट करेंगे तो आयरन एक्सपैंड होता है, जब भी कूल करेंगे आयरन कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? जब भी हीट करेंगे आयरन एक्सपैंड होगा, जब भी कूल करेंगे आयरन कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया? तो बस क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल मेक अ आयरन रिम ऑफ द साइज ऑफ काट व्हील, जो बुलक काट का व्हील है, ठीक है, उसके साइज का आयरन रिम बनाएंगे। उसके बाद उसको करेंगे हीट। ओके, क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। अगर हीट किए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तुम पहले आयरन रिम बनाए, किसके साइज का, बुलक काट के व्हील के साइज का तुम आयरन रिम बनाए, उसको फिर हीट किए, हीट करके वो एक्सपैंड किया। ओके, एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने के बाद तुम उसे फिक्स कर दोगे, किस में, व्हील में। फिक्स इट ऑन द व्हील, व्हील में उसको फिक्स कर दो। थोड़ा बड़ा हो रहा होगा अभी, ठीक है, उस पर कोल्ड वाटर डाल दो, कोल्ड वाटर।
या फिर तुम चाहे तो नॉर्मल वाटर भी डाल दोगे। तो नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर डालने से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस चक्के के साथ वो पूरी तरह चिपक जाएगा और आयरन रैम पूरी तरह से फिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? छह स्टेप है, छठो स्टेप है, याद रखो छह स्टेप। पहले आयरन रिम बनाओ, मेक ए आयरन रिम सेम साइज ऑफ द कार्ट व्हील। ओके, मेक इट द साइज शुड बी सेम एज द कार्ट व्हील। नेक्स्ट, हीट द आयरन रिम। ड्यू टू हीटिंग इट विल एक्सपैंड। आफ्टर एक्सपैंडिंग साइज बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। उसको फिक्स कर दो व्हील पे। अब थोड़ा लूज हो रहा होगा तो उस पर ठंडा पानी डाल दो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिट हो जाएगा, ख़त्म। हम इस तरह से बुलक कार्ट्स में आयरन व्हील लगाते हैं। क्लियर? ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। समझना, डाउट रहेगा पूछना। क्लियर? ओके, हैव अ गुड डे।